इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस फार्मेसी का शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इंडिया में कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है जो रेगुलेट या स्पेसिफाई कर सके ऑनलाइन फार्मेसी को, लेकिन मेडिसिन से जुड़ा मैटर है इसलिए यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और रूल्स के अंदर आता है, वही से कवर करता है। जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बना था तब ऑनलाइन या इंटरनेट का वर्ड नहीं था, इसलिए कोई मेनली स्पेसिफाई नहीं है। इसके अलावा ये आईटी एक्ट के अंतर्गत भी आता है क्योंकि ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ मैटर है। अगर आप ऑनलाइन फार्मेसी सेटअप करना चाहते हैं तो या तो आप अपनी खुद की फार्मेसी वेबसाइट, ऑनलाइन फार्मेसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पोर्टल्स पे आप सेलर का अकाउंट क्रिएट करके कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी बनाने से पहले आपको अपना क्या कहते हैं एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा, एक फिज़िकल फार्मेसी, एक ऑर्डिनरी फार्मेसी आपको तैयार करनी पड़ेगी जिसकी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी जैसे हम हाउ टू स्टार्ट फार्मेसी बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके हैं। इसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो मॉनिटरिंग करेगा प्रिस्क्रिप्शंस की ताकि पेशेंट्स को कोई हार्म ना हो। ऑफलाइन फार्मेसी सेटअप्स के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो चर्चा कर लेते हैं, क्विक लुक ले लेते हैं उन पर जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी। लाइसेंसेस जो जो रहेंगे मेनली दो तरह के लाइसेंसेस रहेंगे, रिटेल ड्रग लाइसेंस रहेगा और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GST नंबर रहेगा। इसके अलावा अगर आप होलसेल प्लस रिटेल करना चाहते हैं तो होलसेल का ड्रग लाइसेंस भी ले सकते हैं, होलसेल की चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में कर चुके हैं। रिटेल ड्रग लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। रिटेल ड्रग लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिस के द्वारा दिया जाता है जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अंतर्गत आता है। आपको डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिस में विजिट करना है, वहाँ ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ड्रग रिटेल लाइसेंस के लिए प्रोसीजर ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये वेरी करता है कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत। अब जो बात करेंगे वो रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ऑनलाइन फार्मेसी सेटअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। मेनली जो ऑफलाइन के लिए रहेंगे वही ऑनलाइन के लिए रहेंगे। मिनिमम एरिया जो रहेगा वो 100 स्क्वायर फीट का रहेगा जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एरिया की। सीमेंटेड फ्लोर वगैरह जो हम पहले दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो तो रहेगी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। रेंट एग्रीमेंट और ओनरशिप प्रूफ ऑफ जो फार्मेसी का होगा वो साथ में लगेगा, ब्लू प्रिंट की कॉपी लगेगी, आपका कहाँ पर सेटअप है फार्मेसी का कैसा है सब कुछ उसका ब्लू प्रिंट लगेगा साथ में। एड्रेस प्रूफ ऑफ फार्मेसी लगेगा कि आपकी फार्मेसी कहाँ पर सिचुएटेड है। अब बात करते हैं अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर के। वैसे तो एनुअल टर्नओवर अगर किसी फर्म का 20 लाख से कम है तो आपको GST मैंडेटरी नहीं है इंडिया में, लेकिन जब बात आ जाती है ई कॉमर्स की, ऑनलाइन सेलिंग की जब हम बात करते हैं तो GST आपके किसी भी टर्नओवर पे लागू होता है, मेनली रिक्वायर होता है। अगर ई कॉमर्स टाइप्स पे अमेजन वगैरह पे भी आप अकाउंट बनाते हैं तो वो GST नंबर आपसे मांगता है, तो ऑनलाइन फार्मेसी के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है GST नंबर की। उसके बाद आप रिटेल ड्रग लाइसेंस और GST नंबर ले लेते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत है। जितना लोग आपको ऑनलाइन देखेंगे उतना ज़्यादा आपसे खरीदेंगे, उसके लिए सेम वही प्रोसीजर, या तो आप ई कॉमर्स फार्मेसी वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन फार्मेसी वेबसाइट पर अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आप कंप्लीट करके मेडिसिन और ड्रग्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या नया आ रहा है, क्या चेंज हो सकता है फ्यूचर में ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में। गवर्नमेंट का प्रोसेस ऑनगोइंग है कि वो ऑनलाइन फार्मेसी को रेगुलेट करना चाहती है, इसलिए वो अमेंडमेंट कर रही है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल में, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा किसी भी नई गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए। जब वो अमेंडमेंट आते हैं उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोविज़न उसमें हो सकते हैं जो दूसरे कंट्रीज में मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए सबसे पहले आपको एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी का एक फिज़िकल एड्रेस होना ज़रूरी है, ऑनलाइन आप बेच रहे हो लेकिन आपका फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एक और केमिस्ट शॉप हम मान सकते हैं कि होना ज़रूरी है ऑनलाइन सेल आउट करने के लिए। गवर्नमेंट एक प्रोसेस में एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए जहाँ पर सारी ऑनलाइन फार्मेसी को रजिस्टर कराना कंपलसरी हो। जो ऑनलाइन फार्मेसी लाइसेंस दिया जाएगा वो स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। फार्मासिस्ट तो मस्ट होता ही है, चाहे वो आपका सिंपल फार्मेसी है या ऑनलाइन फार्मेसी है, कंज्यूमर पेशेंट के हित के लिए ज़रूरी है।
आप कोई भी हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन या शेड्यूल एक्स की मेडिसिन अपनी ऑनलाइन फार्मेसी में नहीं बेच सकते। जहाँ तक शेड्यूल H1 या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की बात है, तो वो बिना वैलिड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप ऑनलाइन सेल आउट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन फार्मेसी एक ई कॉमर्स बिजनेस है, इसलिए ये IT एक्ट 2000 के अंतर्गत भी कवर होगा, उसके स्टैंडर्ड भी इस पर अप्लाई होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल ID पे pharmafranchisehelp@gmail.com पे। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.pharmafranchisehelp.com पे। उम्मीद करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है।